तो नाम में क्या रखा है, बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीवा कट एप्लीकेशन से किसी भी वीडियो को कट कैसे करें, कहीं से भी कट करना है वीडियो को, तो सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, उसके लिए मैं वीवा कट एप्लीकेशन को कर लेता हूँ ओपन। अगर आपके पास नहीं है, आपने प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है और इंस्टॉल कर लेना है। जी है इसका नाम और आइकन, जहाँ से इसकी कर लीजिए पहचान। इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। पहली बार ओपन करोगे कुछ परमिशन वगैरह मांगेगा, उसे अलाउ कर देना। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ आपने क्रिएट पर क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद जहां वीडियोस आ जाएंगी जो आपके मोबाइल की स्टोरेज में है, जिस वीडियो को कट करना है उस पे क्लिक कीजिए। जहां मैं एक वीडियो पे क्लिक कर देता हूं, क्लिक करने के बाद जहां नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसमें अगर कुछ ऐड वगैरह आए तो उसको आप जहां से बैक कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ क्रॉस आ गया, एक बार क्रॉस कर देते हैं। तो ये देखिए जी, आपका जो वीडियो था वो आ चुका है इस एप्लीकेशन में। अब इस वीडियो को कट करना है, ठीक है, कोई भी पार्ट इसका कट करना है। तो ये नीचे ये वीडियो है, देखिए इसको थोड़ा आगे करता हूँ मैं, और जहाँ वीडियो पे एक बार टच करना है। जहाँ पे टच करने के बाद जहाँ नीचे देखिए स्प्लिट, इस पर क्लिक कीजिए। अब वीडियो को फिर थोड़ा सा और आगे करेंगे, एक बार फिर से क्लिक करेंगे वीडियो पे, फिर से स्प्लिट पे क्लिक करेंगे पहले की तरह, और ये वीडियो के तीन पार्ट हो चुके हैं, ठीक है। आप जितने करना चाहो कर लीजिए। अब इसमें से कोई भी पार्ट कट करना है, डिलीट करना है, तो उस पर क्लिक कीजिए। ये मान लो बीच वाला है, तो बीच वाले पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद नीचे जहाँ जो ऑप्शन है, इनको राइट से लेफ्ट तरफ कीजिए। जहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिखा होगा डिलीट, इस पर क्लिक कीजिए। तो देखिए जो वीडियो का बीच का हिस्सा था वो कट हो चुका है। इसी तरह से आप वीडियो को कहीं से भी कट कर सकते हैं। करने के बाद इसे सेव करना होता है, राइट साइड ऊपर एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होता है, और जहां 720 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। 0 से लेकर 100 तक परसेंटेज चलेगी, उसके बाद ये वीडियो आपकी मोबाइल की गैलरी में चला जाएगा। वीडियो